आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तबला रियाज करने का तरीका बताने वाला हूं कि तबला रियाज कैसे करें। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो गलती करते हैं वो तबला रियाज करने वक्त करते हैं। हम लोग कोई कायदा और पलटा सीखे और कायदा पलटा सीखने के बाद क्या होता है कि उसे एक से एक या दो बार हम उसे धीरे यानी ठा की लय में बजाएं, और ठा की लय में बजाने के बाद क्या होता है कि हम उसे तुरंत फास्ट कर देते हैं। एक से दो बार ठा की लय में बजाने के बाद सोचते हैं, उसे फास्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि कितना जल्द हम इस कायदा और पलटा को सीख जाएं, कितना जल्द हम तबला प्ले करने लगें। दोस्तों उसी जल्दी के कारण में क्या होता है कि हम लोग गलती कर बैठते हैं और हम लोग सही से तबला नहीं बजा पाते हैं। कभी कभी फंस भी जाते हैं, जब कोई बोल बजाते रहते हैं तो उस समय फंस भी जाते हैं, मात्रा कट जाता है। ये क्यों कटता है? ये इसलिए कटता है कि हम लोग सही से तबला रियाज नहीं किए। तो सही से तबला रियाज करने का कौन सा तरीका है, तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और जो कि आप लोग ये तरीका जानते हैं, ये तरीका आप लोग जानते भी हैं तब पर भी पता नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यही तरीका, और साथ में रियाज भी करेंगे कुछ देर। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी कायदा पलटा सीखे हुए थे, सारे कायदे और पलटे को रियाज करना सीखेंगे। और सबसे प्रथम कायदा जो सीखे हुए थे, फर्स्ट जो कायदा हम लोग सीखे हुए थे, वो तीन ताल 16 मात्रा में दिल्ली घराने का कायदा था, जो कि बहुत ही फेमस कायदा है। जिनके बोल थे धा धा टे टे धा धा तू ना ता ता ते टे धा धा धी ना। तो ये तीन ताल 16 मात्रा में है। तीन ताल में कुल 16 मात्रा होते हैं, 1, 5, 13 ताली, 9वीं मात्रा खाली होते हैं। तो ये फर्स्ट कायदा है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गलती जो मेनली रूप से जो गलती हम लोग करते हैं, ये कायदा आप लोग सीख लिए, सीखने के बाद क्या करते हैं कि ये कायदा मान लीजिए कि आपको ये इंटरेस्ट नहीं आएगा बजाने में, आप फर्स्ट बार तबला प्ले कर रहे हैं या तबला सीख रहे हैं फर्स्ट बार, ठीक है, तो ये कायदा बजाने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए आनंद नहीं आएगा कि आप इनके बोल को देख रहे होंगे, धा धा ते टे धा धा तू ना ता ता ते टे धा धा धी ना, ठीक है, ये कायदा है। और ये बहुत ही फेमस कायदा है, ये बड़े बड़े कलाकार इस कायदे को बजाते हैं, हम ही नहीं बहुत सारे कलाकार इस कायदे को बजाते हैं। जैसे वर्तमान में आप जाकिर हुसैन जी को देखे होंगे, जाकिर हुसैन जी जो अल्लाह रखा खां के पुत्र हुए, है ना, जो कि पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं, तो इनको देखे होंगे आप, जो कि अभी वर्ल्ड में फेमस तबला कलाकार है, यानी कि तबलाबाद में सबसे फेमस है अभी वर्तमान में। तो वो भी इस कायदा को बजाते हैं, और देखेंगे जब वो बजाएंगे बहुत ही आनंद आता है। इसलिए आनंद आता है कि वो बहुत ही अच्छे से रियाज किए हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से रियाज नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कितना जल्द फास्ट बजाना सीख जाए, और इस फास्ट बजाने के चक्कर में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे अब से,
और साथ में हम लोग रियाज करेंगे और जितने भी कायदे और पलटा सीखे थे सारे कायदे पलटे को धीरे धीरे फास्ट करेंगे, एकदम अच्छे से रियाज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस कायदा को प्ले करना बताता हूँ और साथ में आप लोग रियाज करेंगे। ठीक है, कायदे के बोल आप लोग जान गए, अब देखिए कि इसे बजाना कैसे वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने ये कायदा आप लोगों को ट्यूटोरियल बता ही दिया है तो ज़्यादा डीपली में नहीं बताऊँगा। ठीक है, सिर्फ आज का जो ये मेन टॉपिक है ये तबला रियाज करने का मेन टॉपिक ही है। ठीक है, तबला रियाज इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग कुछ कुछ बता दूँ, ये फिंगर यहाँ रखेंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर है ये, इससे चाकी पर आघात करेंगे तो ता या ना सब क्या बजाएगी। और ये जो तबला आप देख रहे हैं ये हमारा सी शार्प पे चढ़ा हुआ तबला है। ठीक है, और यहाँ हम चाटी पर आघात करेंगे ता या ना सब क्या बजाएगी, डंगे पर बजाएंगे घे। ठीक है, घे घे और चाटी पर ना इस दोनों को एक बार आघात करेंगे, ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा ते 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 बजाएंगे सियाही के बीचों बीच, ते 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 आप दो प्रकार से बजा सकते हैं, ये तो ते ते ये बजा सकते हैं और एक ये। ठीक है, ते ते ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली घराना, बनारस घराना। ठीक है, दिल्ली घराने में दो उंगलियों का प्रयोग अधिकतर होता है। ठीक है, धा धा ते ते धा धा तू ना, तू बजाएंगे स्याही पर, खुला हाथ बजाएंगे तू, चाटी पर बजाएंगे ना तू ना। ठीक है, और यहाँ हम तीना भी लगा सकते हैं ती बजाने के लिए, लौ पर बजाएंगे ती, चाटी पर बजाएंगे ना। ठीक है, हा ते ते हा ती ना ता ता ते ते हा धी ना। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें आपको ये बजाने में गड़बड़ी होगा धी ना, मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ता ता चाटी पर, ठीक है, ते ते हा धी ना, धी बजाएंगे लौ पर तीन, डगे पर दोनों को एक बार आघात करेंगे, ये हो जाएगा धी, चाटी बजाएंगे ना धी ना। ठीक है, धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते धा धा धी ना। और आप ये भी सोचते होंगे कि तूना बजाएंगे तो बेस्ट रहेगा या तीना बजाएंगे तो बेस्ट रहेगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप तीना बजाएंगे, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग साथ में रियाज करते हैं कुछ देर, यानी कि कम से कम 10-15 मिनट हम लोग साथ में रियाज करेंगे। ठीक है, और एक ही लय में रियाज करेंगे। और हम लोग जो गलती करते थे वो ये करते थे कि जो भी कायदा सीखते थे उस कायदे को हम लोग साधना, यानी जो मेन साधना है इसका, ठा की लय, दोगुन की लय, चौगुन की लय, ये इसका मेन साधना है। तो हम लोग ये जानते थे सिर्फ कि ठा की लय कहते हैं एक मात्रा में एक मात्रा बजाने को, दोगुन की लय कहते हैं एक मात्रा में दो मात्रा बजाने को, चौगुन की लय कहते हैं एक मात्रा में चार मात्रा बजाने को। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्लियरिटी लाना है तबले में। क्लियरिटी कैसे आए, जब एक भी बोल बजाए तो किस प्रकार से शुद्ध शुद्ध बोल निकले। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो मैं बोल रहा था आपको हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, यानी व्याकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना तथा पढ़ना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी व्याकरण है, इसमें भी व्याकरण है। शुद्ध शुद्ध बोलना, बोलना तो हम लोग पढ़ता ही है, जैसे हम लोग तबला रियाज करते हैं तो उस समय बोलते भी हैं। ठीक है, शुद्ध शुद्ध बोलना, अब हम लोग जो बजाते हैं वो मान लीजिए लिखना, तो शुद्ध शुद्ध बजाना है ना, शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना तथा पढ़ना, तो पढ़ाई भी हम लोग कड़वे करते हैं, जैसे थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो शुद्ध शुद्ध पढ़ते, जैसे तीन ताल किसे कहते हैं, एक ताल किसे कहते हैं, चार ताल किसे कहते हैं, तो ये हो गया पढ़ना। ठीक है, तो सेम पैटर्न मिलता है। और जैसे आप देखते होंगे वर्णमाला कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, यानी कि कुल कितने अक्षर हैं, तो हिंदी में कुल 52 हैं,
तबले में कितने हैं? तबले में 10 हैं। इंग्लिश में कितने हैं? 26 हैं। तो इसी में ये जो बोल है, इसी से सब कुछ बना हुआ। जैसे हम, मेरा नाम है राम अधीन पंडित, अब मैं इंग्लिश के जो 26 अक्षर हैं उसी के अंतर्गत आएगा, आर ए एम ए डी एच आई एन पी ए एन डी आई टी, 26 अक्षर के अंतर्गत आया। हिंदी में रा म अ धी न, राम अधीन, ठीक है। तो इस प्रकार से 52 अक्षर के अंतर्गत आया। तबले में भी सेम पैटर्न है, जो हम लोग ता बजाते हैं, ना बजाते हैं, तिन बजाते हैं, तेटे बजाते हैं, कत बजाते हैं, के बजाते हैं, की बजाते हैं, धा है ना, धिन, त्र, तो ये सब उसी से मिलता जुलता है। 10 मात्रा के अंदर, यानी वो जो 10 वर्ण है उसी के अंतर्गत ये सारे बोल आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों को क्लियरिटी लाना है। अब क्लियरिटी लाना है कैसे, तो चलिए साथ में रियाज करते हैं। और अगर आप साथ में हमारे साथ रियाज करते हैं तो मैं आपको कुछ तो गारंटी दे सकता हूँ, 70% गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आप अच्छा बजा ही लेंगे, ठीक है। सारे गारंटी इसलिए नहीं दे पाता हूँ या दे पाऊँगा, ठीक है, कि आपका रियाज कैसा है, किस प्रकार से है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको देखता नहीं हूँ, आप हमें देख रहे होंगे और मैं अभी आपको देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण हम आपको 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप साथ में रियाज करें और गेस करते हैं कि आप अच्छा ही बजाएंगे, तो हमसे आप बेहतर बजाएंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी भी टीचर, जो भी टीचर होते हैं, उनका एक ही मंशा रहता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे तबला सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ें, हमसे आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम लोग साथ में रियाज करते हैं, ठीक है। सिर्फ धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे धाधा धीना, या तीना लगाएंगे, ठीक है, तीना लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, तो तीना ही बजाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठा किले में हम लोग कुछ देर रियाज करते हैं, ठीक है। चलिए
दोस्तों इसी प्रकार से इसी लय में एक लयबद्ध तरीके से रियाज करना है। जैसे अभी मैं आपको बताया रियाज करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है। यदि आप ठा के लय में रियाज करते हैं तो कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा पर डे रियाज करें, ठीक है, जो भी आप बजाते उसे, फिर उसका दोगुना करें जो आप नया बोल सीखते हैं उसे। खास करके ठा के लय में कम से कम आधा एक घंटा बजाएं, ताकि उससे आपका हैंड बैठ जाएगा, एक लयबद्ध तरीके से हो जाएगा। फिर आप उसका दोगुना करें, फिर उसका आप चौगुना करें, तिगुन चौगुन, आप चौगुन कर सकते हैं। तिगुन नहीं बजाया जाता है, तिगुन आर के लय में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे प्ले करेंगे। तो गेस करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।